रामदेव बाबा को जानते हो? जानते हो ना, सत्ता में नरेंद्र मोदी के आने से पहले उन्होंने कहा था कि बच्चों आपको 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए या 55-60 रुपए में चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि सर हमें 35 में चाहिए। ठीक है, 10 साल हो गया सत्ता में, कहीं पे भी सर अगर आप मुझे बता दो 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा तो सर जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, बताओ। ठीक है, इन्होंने कहा कि सिलेंडर 450 में देंगे अगर हमारी सरकार आएगी। ठीक है, अभी ज्यादा दूर मत जाइएगा, अभी यहाँ राजस्थान में इलेक्शन हुआ तो वहां पे भी बोले थे 450 में, इनकी सरकार बन गई। ठीक है, कहाँ है सिलेंडर 450 में? तो काहे के लिए जनता को चूतिया समझ रखे हो क्या? ढिंडोरा पीट के बोलते 450 में देंगे, जनता चूतिया क्या? अमित शाह ने पता है क्या क्या था कि बिहार में जाके बोले थे, ठीक है, कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। ऐसा क्या कर दिया भैया नीतीश कुमार जो दरवाजा खुल गया? पहला सवाल हमारा ये, ठीक है, कि देश में रोजगार नहीं है। दूसरा सवाल ये कि 205 लाख करोड़ का कर्ज क्यों हुआ देश पे। तीसरा सवाल ये, कितने कॉलेज खोले नरेंद्र मोदी 2014 के बाद, 10 साल हो गया सत्ता में है। तुम दलाली कर रहे हो। राजनीति बगैर झूठ बोले तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो। मोदी जी NDTV इंडिया पर कभी जाते नहीं है, क्योंकि उनको डर है, उनसे सवाल पूछ लिया जाएगा वो जवाब दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जाते हैं? जाके दिखाइए ना, डिबेट करके दिखाइए। एक उन्होंने जो चैनल खरीद रहे हैं उनसे वाह वाह करवा लेते हैं बस, बाकी चैनलों पे आते ही नहीं है। अभी तक सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, NDTV इंडिया पर उनका कोई इंटरव्यू नहीं है आज तक। ठीक है, आप ये सुन लो मेरी बात, वो डरते हैं वहाँ जाने से। और अगर कोई भी CM PM अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो कहीं जाने से डरेगा नहीं। आप केजरीवाल जी को उठा के कहीं भी ले जाइए, मैं उनकी बहुत, मैं UP में रहता हूँ पर मैं उनकी बड़ाई क्यों करता हूँ? अच्छा काम करता है, बिल्कुल। ठीक है, फिर उनका लोग थप्पड़ क्यों मारते हैं? अरे सुनो, उन्होंने थप्पड़ खाने के बाद भी उसको जेल नहीं कराई। सुनिए, उन्होंने जनता ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ खाने के बाद भी जेल नहीं कराई। और मैं मोदी को छोटी चीज कह दूं ना, कल मैं जेल में पाऊंगा भैया। तुम देश की जनता को मारते हो? ये तुम इस चीज के PM हो? देश की जनता ने क्यों चुना है तुम्हें? सुनिए एक मिनट, देश की जनता ने क्यों चुना है तुम्हें? देश की जनता से अगर कोई गलती होती है तो आपका हक है, और वो अपना हक नहीं मांग सकते, राज शासन करने के चक्कर में लग रहे हैं। अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैं NRC लागू करके रहूंगा। अरे तुम होते कौन हो? पहले जनता से पूछो, पहले मेरी बात, पहले जनता, जनता क्या, जनता कुछ नहीं है। सुनो एक सेकंड, सुनो भैया, जनता कुछ नहीं है। तुम्हारे घर में 10 लोग आके रहने लगेंगे, तुम कहोगे अब खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा उसका। ठीक है, अब तुम कहोगे मैं पैसे कहाँ से लाऊं? 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठियां रह रहे हैं, खर्चा कौन दे रहा है? 5 करोड़ से कौन दे रहा है भाई साहब? फ्री राशन कांग्रेस सरकार में, ठीक है, फ्री सब कुछ फ्री मिल रहा है। दिल्ली में देख रहा हूँ, अभी वीडियो आते ना दिल्ली में, मैं वीडियो देखता हूँ, सच में झूठ में बता रहा हूँ, कूलर और फ्रिज तक उनको फ्री में मिल रही है। आप बताओ यार कौन दे रही है? केजरीवाल। आपने ये कहा कि 2014 से पहले घुसपैठियां आ गए थे, आपने ये भी कहा है कि कुछ लोग आ गए इसलिए सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो 2014 से पहले क्यों सारे लोग खाना खा रहे थे, वो अब क्यों नहीं खा पा रहे हैं? उनको क्यों रहने दे रहे हो? देश किसका है अब? देश किसका आ गया? देश हमारा है नहीं है? पहले पाकिस्तान का था। पहले किसका था? 2014 से पहले किसका था? हमारा था पहले, तो क्यों घुसे? अरे हमको पता, किसे पता था? किसी को पता नहीं था 370 के बारे में, तो किसी को पता नहीं था। ठीक है, घुसपैठिए 5 करोड़ क्यों घुसे लिए? उनको भगाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? 370 क्या है? 370 है क्या? पता था मुझे तो नहीं पता था भैया, 370 क्या है? मुझे नहीं पता था भैया। सरकार किसकी है? किसकी? BJP की है। तो घुसपैठिए घुसे कैसे देश में भाई साहब? पहले ही आए हैं, क्या बात कर दी? पहले आज सुनो, आप हिंदुस्तान किसी कोने में देख लो, सरकारी जमीन पे कब्जा देख लो। अभी एक मैं सब बात नहीं कर रहा हूँ, एक गंगा रोड है, रोड के किनारे छोड़ो एक नदी है, नदी के किनारे बहुत से मकान ऐसे बने होंगे इन पे कागज नहीं है। ये भाई साहब हमने, तुमने तो कब्जा करके बनाए हैं घुस। अब पहले खाली रहते थे, अब यहाँ जगह नहीं है, महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सारे आसपास के लोग घुसपैठिए हैं ये कहना चाह रहे, जितने इलाके। मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं ना, सरकार ने नहीं दिया। मैं गलत कह रहा हूँ? ये भाई कह रहे 370 क्या, इन्हें पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे 370 क्या है? क्या है? कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे नजर में कुछ नहीं है, हमारे नजर में बहुत कुछ है। उस विषय में बात करना चाहता हूँ, सुनिए। जम्मू कश्मीर में आतंक फैला था 370 से, ठीक है, क्या था? अभी सब कुछ केंद्र का है, अब भी केंद्र का है सब कुछ। RDX आई ना, किसके आई? मोदी के राज में आई ना, घर में जाके पहला ना। 2014 से पहले, अरे सुनिए, 2014 से पहले, मेरी बात सुनो, 2014 से पहले क्यों नहीं लोग हमला करते थे? क्यों नहीं न्यूज आती थी 2014 से पहले? कोई भाई बता दे कितने बम ब्लास्ट होते थे, कितने ट्रेन में फटते थे, कितने सीरियल ब्लास्ट होते थे, कितने क्या होते थे? आप बोलिए। देश
देश का जवान 40 जवान हमारे देश का पुलवामा हमले में मर गया, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? सरकार तीन जो ठोका था ना उसको ठोक के आई है कांग्रेस के सरकार में जब अरे भाई पुलवामा हमले पे तो मोदी जी बात ही नहीं करते, करेंगे भी नहीं। वो सर्जिकल स्ट्राइक भाई मेरे घर में हुआ था, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो होता है वो मेरे घर में हुआ। आपके घर में हुआ था? हाँ मेरे घर में हुआ था। इन्हें जब नहीं पता मेरे घर में हुआ था वो सर्जिकल स्ट्राइक, पूरी देश को पता है, सबको पता है, इन्हें कुछ पता नहीं है। बताओ कितने जो एक मिनट पहले मेरी बात तो सुन लो, पहले मेरी बात तो सुन लो। 40 जवान मर गए जिन्होंने मारा, कौन से जेल में बताओ? जेल में क्यों ठोक के आया ना उसे? क्यों नहीं ठोका सर्जिकल? कितने को ठोके दिखाओ, नीट में दिखाओ। अरे यार दुनिया को पता है यार पूरी। अभी अगर जो पब्लिक देख रही होगी ना आपको बिल्कुल चमचा ही कह रहे होगा भाई। हम चमचा नहीं कर रहे, सही दलाली कर रहे हो तुम, दलाली कर रहे हो। हम चमचा नहीं कर रहे, तुम दलाली कर रहे हो, दलाली कर रहे हो, तुम दलाली कर रहे हो। अगर आपको मोदी जी से दिक्कत है, मेरी उसने हम दलाली नहीं है, हमें मोदी जी से दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, हम दलाली कर रहे हैं, हम दलाली कर रहे हैं। हम मोदी जी को लाएंगे, तुम्हारे अंदर दम है तुम हटा के दिखा दो। हम क्यों हटाए? पूरी जनता हटाएगी यार, जिस तरीके से जनता ने तो उनको बैठाया वहाँ पे। 36 गठबंधन थे, 36 सब टुकड़े टुकड़े फैल गया, कोई रह गया कि बताओ कौन 36 थे? ममता बनर्जी थी, राहुल थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, अखिलेश थे, ये मायावती थी, तुम्हारे वो बिहारू थे, सब कौन टूट गया बताओ? सब टूट गया, सब टूट गया, कौन है बताओ? आप बताओ कौन है, आप बताओ। तो खाली नीतीश ही तो टूटा, और कौन टूटा? ममता बनर्जी टूटी, ममता बनर्जी बस ना। नीतीश ये कह रहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और अमित शाह कह रहे थे, जवाब सुनिए एक एक करके चाचा, एक एक करके आप तुमने अब समझ लेना, अब एक एक करके बात करोगे भाई साहब। अमित शाह ने पता है क्या कहा था कि बिहार में जाके बोले थे, ठीक है, कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। ऐसा कहा कर दिया भैया नीतीश कुमार, जो दरवाजा खुल गया। जवाब सुनिए जवाब, अरे रुक एक आदमी बोले, यही केजरीवाल थे जो कांग्रेस, अरे सुन लो भाई सुन लो, राजनीति के कांग्रेस चोर है, शरद पवार चोर है, सब चोर है। आज क्यों उनके हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं? किसके गठबंधन करके कांग्रेस के साथ क्यों घूम रहे? उसके बाद नहीं, एक मिनट भाई इनका जवाब दो मेरे को। यार एक चीज का जवाब नहीं देते हो सर आप इस चीज का जवाब दो। आप पहले क्या बात किए थे? नीतीश कुमार की बात किए थे, तो आप बोले कि नीतीश कुमार का गठबंधन टूट गया। आपने कहा कि नीतीश कुमार चले आए बीजेपी में, ठीक है, तो अमित शाह तो ये बोल रहे थे बिहार में जाके कि अमित शाह क्या नाम है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। दिखाओ कहाँ पे न्यूज़ में, दिखाओ दिखाओ न्यूज़ दिखा दूंगा तो क्या हारोगे? बोला है। अगर आपके घर में 10 परिवार है, ठीक है ना, एक परिवार किसी भी खटपट के चले गए, आपने गुस्सा में कर दिया, बाप ही कह देता है ना जब आप लव मैरिज करते हो कि मेरे घर नहीं आना, क्या बाप एक्सेप्ट नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो अगर वो उससे कोई गलती हुई, उसने मौका दिया, तो क्या दिक्कत है आपको? बाप है कौन? अरे बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की। राजनीति में बाप और बेटा कहाँ से आ गया? राजनीति में भैया बाप और बेटा कहाँ से आ गया? अरे तो जब तुम घर में तुम नहीं संभालते तो राजनीति के भाई, राजनीति में तो जब वो हर थुक्के चाट लिया तो उसकी तो बात ही नहीं है यार। जो थुक्के चाट ले उसकी क्या वैल्यू है देश में यार? क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? एक कौन बन एक मिनट अभी ये घर में ये आप काम करके आते हो? करके आते हो? आपके पिताजी की तबीयत खराब है, सपोज करिए, बुरा नहीं माननीयेगा, ठीक है, आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आप बोल दिए कि मैं पिताजी आप घबराइएगा मत, मैं आपका साथ दूंगा, आपकी दवा कराऊंगा, ठीक है, कराओ ना कराओ आपने कह दिया, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन जब बाप जी आपके पास आए कि बेटा तूने बोला था नहीं किया, मेरा इलाज करवा दे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो तुम इलाज नहीं करवाओगे तो तुमको क्या बोलेगा आदमी? तुम इलाज नहीं करवाओगे तुमको क्या बोलेगा आदमी? आदमी क्या बोलेगा यार? क्या बोलेंगे? क्या हमारे पिताजी का जो कर्म है वो नहीं करेगा, वो खुद भुगतेगा कल, वो भी वही भुगतेगा। नीतीश कुमार खुद थुक के चाट रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है बिहार में। क्यों गठबंधन को फर्क पड़ रहा है उनसे? नहीं रोना चाहिए ना। कौन रो रहा है मेरे भाई? कौन रो रहा है? रो रहा है। जो स्टोव में कोयला डालते हैं ना उनसे पूछिए कौन रो रहा है, ठीक है, मालूम ही नहीं है, बस खाली वही उल्टा सीधा बात करते रहते हो यार। 2014 से पहले कितने बार राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए देखा था, चाहे कितने नेता को पहाड़ में जाते हुए देखा था, आज क्यों भगवा के घूम रहे हैं? ठीक है, जवाब सुन लीजिए भैया, क्या बोले हो आप?
2014 से पहले राहुल गांधी कितने बार मंदिर गए मेरे को ये बता। तो वो तुमको दिखा के जाएंगे, तुमको दिखा के जा रहे हैं। अब क्यों दस को मीडिया को लेके जा रहे हैं? ठीक है, मीडिया को लेके जा रहे हैं, चलो ठीक है, उनकी गलती है। अब एक बात ये बताओ, इस देश में सिर्फ मंदिर का, मस्जिद का, इसका उसका सिर्फ यही विवाद होगा कि वो मंदिर क्यों नहीं गया? अरे भैया, कि वो मंदिर क्यों नहीं गया 2014 से पहले, अब मंदिर क्यों नहीं जा रहा है? अरे भैया, जब तुम्हारे दिल में भगवान के लिए श्रद्धा जब जागेगी तभी तो जाओगे यार, भगवान जिसको बुलाएगा तभी तो जाएगा यार। ये कौन सी बात हो गई यार कि ये क्यों नहीं गया, गया नहीं, क्या मतलब होता है? जब सारे पब्लिक भी जो थे कांग्रेस के सपोर्ट करता था, लगता था कि अच्छा 70 साल राज किया तो कर रहा, तो क्या परेशानी है आप लोगों को? जनता ही बैठा था ना कुर्सी पे, परेशानी नहीं है, जनता ही बैठा था ना कुर्सी पे सरकार से। देखो बीजेपी से कोई किसी को कोई परेशानी, नरेंद्र मोदी से दिक्कत बता रहे थे, हमने दिक्कत पूरा डिबेट ही सुन रहा था, पूरे मुद्दा ही बीजेपी पे था, दिक्कत मोदी जी से थी। आप सुनने नहीं, अगर तुम बोल लिए तो मेरी भी सुनो यार, सुन रहे हैं, बोलने का मौका दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल मौका है। आप मुझे एक बात ये बताइए, हमें ना नरेंद्र मोदी जी से दिक्कत है, ना राहुल गांधी जी से दिक्कत है, ना केजरीवाल से दिक्कत है, किसी से दिक्कत नहीं। मुझे ये दिक्कत है कि देश में रोजगार होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। 2014 से पहले देश पे कितना कर्ज था आपको मालूम है? कितना था भैया? ठीक है, 55 से 60 हज़ार के लमसम में ऐसे करोड़ के था। आज कितना है सर? 200+ है, लेकिन डेवलप नहीं दिख रहा आपको। क्या डेवलप बताओ? कुछ नहीं दिख रहा आपको। मेरे स्मार्ट सिटी बोले थे बनाने के लिए, कहाँ बनी है बताओ? यूपी में हर जिले ना चाहिए। पहला सवाल हमारा ये, ठीक है, कि देश में रोजगार नहीं है। दूसरा सवाल ये कि 205 लाख करोड़ का कर्ज क्यों हुआ देश पे। तीसरा सवाल ये, कितने कॉलेज खोले नरेंद्र मोदी 2014 के बाद? 10 साल हो गया सत्ता में है, ठीक है, अच्छी बात है, उनकी सरकार है, हम भी सहमति में है, ठीक है, सरकार देश में है। अरे भाई, पहले मेरा सवाल सुनिए, ठीक है, कितने कॉलेज खोले, कितने मेडिकल खोले, ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितना क्या किया, जवाब दीजिए आप। भैया मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे कि अगर मोदी ने कुछ नहीं करा, नहीं मैं एक मिनट सुन लीजिए, पूरा सुनिए, अगर मोदी ने काम नहीं किया 9 साल में या उसमें, तो आप क्यों उसको वोट दे रहे हो, क्यों गद्दी पे बैठा रहे हो? ना आप वोट दे रहे हो, सुन, ठीक है, आपने सवाल किया, ना आप वोट दे रहे हो सर, ना हम वोट दे रहे, ठीक है, सुन लीजिए पहले बात, सुनिए, आपके पास मोबाइल है, आपको भी पता है कि आपका मोबाइल हैंग हो सकता है, कंप्यूटर भी हैंग हो सकता है, हैक हो सकता है, ठीक है, तो ईवीएम क्या है, क्या है सर? वो हैक नहीं हो सकता सर, प्लीज डोंट डिस्टर्बिंग सर, प्लीज, मैंने बोला ना डिस्टर्ब मत करिए, वो हैक नहीं हो सकता मशीन, हो सकता है, होने का ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन उसमें अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप जो है उसके मुद्दे पे बात कीजिए, सरकार को चाहिए, विपक्ष को चाहिए, विपक्ष को चाहिए। जंतर मंतर, आप कभी जंतर मंतर पे गए हैं? गए हो? हाँ गए हैं। जंतर मंतर पे इतनी समय किस चीज का मुद्दा चल रहा है भाई साहब? नहीं अभी तो मेरे को इधर नॉलेज नहीं है इस समय की, बेरोजगारी के मुद्दा तो भाई देखो अभी से नहीं, ये शुरू से जब से सरकार को किसी की सरकार है कि बेरोजगारी रहेगी, ऐसा नहीं था सर। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित भाई, ऐसा नहीं था पहले। अच्छा, लेकिन अब क्या है, पहले ऐसा था, एक कमाता था, 4-5 खाते थे, ठीक है, आज, अरे पहले सर, सर अमित भाई प्लीज, हमारा तुम्हारा कोई वो नहीं है, हम दोनों भाई हैं, जब डिबेट में आए तो बात करेंगे अच्छे से, ठीक है, पहले एक कमाता था, 10 खाता था, ठीक है, आप 10 कमा रहा है, एक बैठ के नहीं खा पा रहा, कारण बताओ। अब मेरी बात सुनिए भैया, आप कब की बात कर रहे हैं कि ये एक कमाते थे? नहीं, सन की भी बात बताए, 2014। आपकी भैया डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 1995। अभी 1995, ठीक है, मेरी बात सुन तो लो भैया, पूछ तो बोलने तो भाई, 2014 से पहले क्या सब लोग आईएएस आईपीएस हुआ करते थे? सब लोग आईएएस आईपीएस हुआ करते थे? आप जाके देख लीजिए 2000, मैं ठीक है, पूरी सुन लो, क्या 2014 से पहले सब लोग आईएएस आईपीएस हुआ करते थे? जो आज सबकी नौकरी चलेगी, सब रोज रुपये आज भीख मांग रहे हैं, जो कि अपने बच्चे को पेट नहीं पाल पा रहे, मेरे को इतना बता दीजिए आप। सर इसलिए नहीं पाल पा रहे हैं कि सर देश में रोजगार नहीं है, अमित भाई रोजगार नहीं है, हम नहीं है रोजगार, हम इतने लोग खड़े हैं,
कोई हाथ उठा के बोल दे मैं काम से नहीं आ रहा हूँ, कोई कह दे कि मैं काम पे नहीं, काम से नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी घर से आ रहा हूँ। आपकी बात ही अलग है, अब आप तो कब मानोगे नहीं ना। देखिए अमित भैया ऐसे मत बोलिए प्लीज, ऐसे नहीं बोलिए। अभी आपने ये कहा कि यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अरे भैया आप सब में तो मैं भी आ गया ना सर, सब में आ गया तो फिर मैं भी कह दूंगा भाई आपने जो कह दिया मैं कुछ नहीं करके आ रहा हूँ। मत बोलिए ना सर, वैसे तो मैं तो सब में मैं भी हूँ ना सब में मैं फिर। हाँ बोलिए। आज भी जो है भाई रोजगार है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत क्या है? रोजगार आप लोग उसको मानते हैं जो सरकारी चाहिए, नहीं मेरी बात सुनिए, आप लोग सरकारी नौकरी को नौकरी मानेंगे, बाकी प्राइवेट को नौकरी नौकरी नहीं मानते, तभी तो कह रहे सब लोग बेरोजगार। सरकारी नहीं चाहिए। आप रामदेव बाबा को जानते हो? जानते हो कि नहीं? बाबा कहाँ से आगे बीच में? अरे बात कर रहे हैं हम भी सवाल, जैसे 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 आप सवाल करते हो, जैसे आप सवाल करते हो वैसे हम भी सवाल कर रहे हैं आपसे, ठीक है? रामदेव बाबा को जानते हो? जानते हो ना, सत्ता में नरेंद्र मोदी के आने से पहले उन्होंने कहा था कि बच्चों आपको 35 रुपये में पेट्रोल चाहिए या 55-60 रुपये में चाहिए? तो बच्चे ने कहा कि सर हमें 35 में चाहिए, ठीक है? 10 साल हो गया सत्ता में, कहीं पे भी सर अगर आप मुझे बता दो 35 रुपये में पेट्रोल मिल रहा तो सर जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, बताओ। ठीक है मैं अब आपसे बता देता हूँ, मैं आपसे 2014 में पेट्रोल का रेट क्या था? 55 से 60। 2004 में क्या पेट्रोल का रेट था? 2004 में इतना तो सर मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ 2000 भाई, 2004 में, एक मिनट भाई, एक मिनट सुन तो लो यार, एक मिनट सुन तो लो भाई, 2004 में पेट्रोल का रेट 37 से 40 रुपये था, ठीक है? जब बीजेपी और अटल जी के सरकार में वैसा था, उसके बाद जब कांग्रेस 10 साल राज करा, उसके राज में आते आते 2014 तक 67 रुपये लीटर तक पेट्रोल आ गया। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई बताइए आप? हाँ हाँ, कितने परसेंट, कितना रेट बढ़ा? भैया मैं बस इतना जानता हूँ, मैं वही, हाँ तो बताओ ना, बताओ भैया बताओ, इतना जानता हूँ चाचा। अगर आप क्यों क्यों बोल रहे हो, आप ही आ जाइए इधर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ 2014 से पहले 55 से 60 रुपये पेट्रोल का दाम था, 2014 के बाद। 2014 के आप डेट निकलवा लीजिए, अगर तो आपको जो है 67 से 70 रुपये लीटर को ना मिले फिर बता दीजिए। तो आज से 10 साल में भैया जब आपका 40 से 45 रुपये रेट बढ़ सकता है, तो 9 साल में अगर 20 रुपये रेट बढ़ गया तो कौन सा ज्यादा? एक्सेप्ट करता हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? आप मुझे एक बात ये बताइए, इन्होंने कहा कि सिलेंडर 450 में देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, ठीक है? अभी ज़्यादा दूर मत जाइएगा, अभी यहाँ पर राजस्थान में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे भी बोले थे 450 में, इनकी सरकार बन गई, ठीक है? कहाँ है सिलेंडर 450 में? वो जो है एक महीना के लिए ना ऑफर दिया गया था, जो भैया दूज या रक्षाबंधन था ना उस समय बताया गया था कि बहनों को दिया जा रहा है एक महीने के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कहा था कि लाइफ टाइम मैं आपको 450 में ही दूंगा। आपको सैलरी चाहिए 15 से 20 हज़ार, सिलेंडर चाहिए 200 में, क्या घर से देगा लाके सरकार? हाँ बताइए, सही बात कर रहे हो। ए, 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 भाई 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 आप ये बात आपने बिल्कुल एक नंबर बोली है कि आपको सैलरी चाहिए 20 हज़ार और सिलेंडर आप भरवाओगे 200 का, तो काहे के लिए जनता को चूतिया समझ रखे हो क्या? डिंडोरा पीट के बोलते 450 में देंगे, जनता चूतिया है क्या? अगर जनता चूतिया, जनता को चूतिया नहीं, आप मुझे बताओ ना, तो फिर डिंडोरा की सरकार का काम समझते हैं? सरकार का काम, सरकार पहले मेरी सुनो, मेरी पहले बात सुनो, सरकार का सर ये काम है अमित भाई कि जिस पे बोल दे उस पे अटल रहे, सीधी सी बात है, ठीक है? ये मुद्दा मत उठाइए कि 200 300 400 500, ये मत बोलिए, उनको एक ही बार बोल दो कि सिलेंडर आपको 5000 का मिलेगा तो 5000 का मिलना चाहिए। राहुल गांधी भी राजस्थान में चुनाव होने से पहले सारे, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे, जो सत्ता में उसकी बात करेंगे सर, जब राहुल गांधी सत्ता में, अमित भाई जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, सुनो पहले मेरी बात सुनो, जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो राहुल गांधी से सवाल करेंगे और यही खड़ा होके करेंगे, हम वो आएंगे नहीं, बहुत अच्छी बात है, ना आए नरेंद्र मोदी ही आए, लेकिन झूठ बोल के सत्ता ना चलाएं भाई, राजनीति बगैर झूठ बोले तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे मोदी हो योगी हो कोई भी हो, ठीक है? इतना भी झूठ मत बोलो कि लहसुन 120 रुपये का 250 ग्राम मिले, इतना भी झूठ मत बोलो भैया, ठीक है? इतना भी मिल रहा है, वो चीज सही कह रहे हो आप, महंगाई है, जहाँ वहाँ पे आप आवाज उठाइए, बोलिए सरकार को घेरने का काम विपक्ष करेगी, आप बोलने नहीं दे रहे हो यार, को घेरने यही तो बोल रहे, यही तो घेरने से नहीं होगा, हम ये चीज आप गांधी जी को फोन कीजिए, राहुल भैया सरकार कौन बनाता है, विपक्ष नहीं
बनाता सरकार, सरकार कौन बनाता? हम और आप बनाते हैं सरकार, लेकिन हमारी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हमारे क्या पहुँचाने वाले हैं? पूछो, पहुँचाओगे कि नहीं पहुँचाओगे? पूछे ना, पहुँचाएंगे। आप सही सही बताइएगा, हम और आप जो यहाँ डिबेट करते क्या केंद्र में जो बैठे हैं चाहे विपक्ष में जो बैठे हैं उनके कान में थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है? वायरल होता तो जरूर होता है, जाता है भाई, जाती बात जाती है, हर जगह मिलते हैं भाई। बहुत कम जो आप देख सकते हैं आप इंस्टा रील वगैरह पे देखते हैं। मैं अमित भैया गलत गलत होता है नहीं, गलत बिल्कुल गलत होता है, गलत गलत होता है। अब जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, आप गठबंधन, मैं आपको ये बोल दूं कि भैया कल आपको 10 रुपया दूंगा, ठीक है, और आपको 10 रुपया ना दूं तो आपको कैसा लगेगा? किस बेसिस पे देंगे आप मेरे को 10 रुपया? जैसे हम सत्ता में हैं, ठीक है, हम सत्ता में हैं, आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी से आपका पे तो देखो यार, बोलने बोलने दो ना, कंपनी मालिक अमित भैया बोलने दो, 10 रुपया देंगे कल ना दे तो बुरा लगेगा ना। तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ यार, वही तो बात कह रहा हूँ आपसे। कह रहे थे मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, नहीं नहीं अभी इन्होंने बोला मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, अब कह रहे मैं जा रहा हूँ, ये कौन सी बात है? सुन लिया भाई तुमने, अभी आ रहा हूँ। ले यार बोला था।